गाइज हम पढ़ रहे हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? एम ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस इज सिमिलर टू एच ए, मतलब हाई अवेलेबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी इट प्रोवाइड जीरो डाउन टाइम। इसमें जो डाउन टाइम है वो बिल्कुल जीरो होता, परसेंट होता है। एंड फुल्ली अवेलेबिलिटी इन मशीन डज नॉट गोज डाउन और रीस्टार्ट, मतलब मशीन आपकी डाउन भी नहीं होती, रीस्टार्ट भी नहीं होती, और सर्विसेज आपकी दूसरे वीएम में चलने लगती है। स्टैंड बाय वीएम होता है, वो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस इज मेंट ऑफ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, मतलब कि जैसे ये बता रखा कि जैसे कि अभी ये आपका रोबोटिक सर्जरी है, अब सपोज रोबोटिक सर्जरी हो रही है, अब बीच में वो मशीन डाउन हो गई तो सर्जरी रोक तो नहीं कर सकते हम कि बीच में रोक दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए हम उसमें फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल करके रखते हैं कि जैसे एक मशीन डाउन हुई तो दूसरी मशीन पे काम चालू हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। विथ फॉल्ट टॉलरेंस सेकेंडरी वीएम इज क्रिएटेड ऑन अनदर होस्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर विद एग्जैक्ट वीएम इन एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द प्राइमरी। ये बोल रहा है कि जो हम एक वीएम चला रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन है, उसी की एक रिप्लिका, एग्जैक्ट उसकी रिप्लिका हम बना के रखते हैं, और डीआरएस की हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटेड डीआरएस की हेल्प से वो काम करता है लोड बैलेंसर की तरह। ये डीआरएस हम आगे पढ़ेंगे। ए फॉल्ट टॉलरेंस वीएम एंड इज अ सेकेंडरी कॉपी आर नॉट अलाउड टू रन द सेम होस्ट रिस्ट्रिक्शन एंश्योर दैट होस्ट फेलियर कैन नॉट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वीएम। अब जिस केस में आपके दोनों वीएम डाउन हो गए वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, बट वो बहुत कम केस होता है कि आपके दोनों वीएम एट ए टाइम डाउन हो जाए। उस केस के लिए भी हम रिडंडेंसी बना के रखते हैं दूसरे वीएम पे, उसकी भी एक पूरा होस्ट है, पूरे होस्ट का ही रिडंडेंस बना के रखते हैं कि पूरा एक होस्ट डाउन हो गया, एक होस्ट के दोनों वीएम डाउन हो गए तो वो दूसरे पे चला जाएगा, क्योंकि हमेशा हम एक वीएम जो है उसका जो सेकेंडरी है सेम होस्ट पे नहीं करते हैं। एक होस्ट डाउन हुआ तो वो दूसरे होस्ट का वीएम आपका चलता रहेगा। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वर्क इन लॉक स्टेप, दैट इज लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी कैप्चर द करेंट स्टेट एंड इवेंट ऑफ प्राइमरी वीएम एंड सेंड दैम टू सेकेंडरी वीएम। प्राइमरी गोज डाउन इंस्टेड सेकेंडरी वीएम टेक ओवर एंड कंटिन्यू ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं कि एक वीएम आपका जैसे डाउन हुआ तो उसकी जो सर्विसेस है, उसकी जो इवेंट्स है, वो सारे दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं आगे। इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टैंड बाय वीएम। इसके लिए करना क्या होता है कि एक में तो सर्विस चल रही है, एक हम एक स्टैंड बाय बना के रखे हैं, वो खाली है, उसमें सर्विसेज केवल हम एक स्टैंड बाय बना रखे हैं उसका रिटेंडेंसी पर्पज से। अब देखो डायग्राम के थ्रू आप समझो, ये डायग्राम के थ्रू आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसमें आपका डाउट रहेगा ही नहीं इस डायग्राम को देखने के बाद। अब देखो आप, मैंने क्या बताया, ये आपका एक होस्ट है, डेटा स्टोर है, ये दूसरा डेटा स्टोर है, ठीक है। अब इस प्राइम ये वाले डेटा स्टोर में आपका एक वीएम चल रहा है, एक डेटा स्टोर में दूसरा वीएम चल रहा है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया आपका। अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपके, ये दोनों लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉल्ट टॉलरेंस इनमें इनेबल है। कहाँ से? हम वीएम में लेवल में इनेबल करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, हमने पीछे पढ़ लिया है ये चीज़। अब देखो आप, इसके अलग अलग काम है, जैसे मैनेजमेंट नेटवर्क, ये मैनेजमेंट करता है, ये फॉल्ट टॉलरेंस लॉगिंग नेटवर्क करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी आपका और सेकेंडरी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपके दोनों एक्टिव और स्टैंड बाय हैं। अब सपोज आपके इस पे जो सर्विस चल रही है 1, 2, 3, 4, 5 तक चली, 5 नंबर की जो सर्विस है आपकी वो फेल हो गई, तो क्या होगा, वो सर्विस 5 नंबर की दूसरे वीएम में एक्टिव स्टैंड बाय वाले में चालू हो जाएगी, तो आपका लॉस नहीं हुआ। और आप देख रहे होगे कि 1, 2, 3, 4, 5 मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ और यहाँ पे भी। तो इसमें होता क्या है कि आपका, देखो आप, इसमें ये जो लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी से दोनों
कलेक्टर रहते हैं उसमें होता क्या है, ये आप इसमें n सर्विसेज चल रही हैं तो इसमें n माइनस वन ये सिंकअप होता है। कैसे, अब सपोज आपकी इसमें सर्विस चल रही हो 1 2 तक सर्विसेज चलने लगी, ठीक है, तो इसमें कौन क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो टास्क आपका प्राइमरी में चल रहा होगा और जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो सेकेंडरी के पास उसका अपडेट दे देगा, वो सिंक कर देगा कि भाई ये एक्टिविटी मेरे में हो चुकी है, और इसकी रिप्लिका सेट ये रिप्लिका ये सेव करके रखेगा। ऐसे ही जब थर्ड हो जाएगी थर्ड को भेज देगा और 4 करने लगेगा, ऐसे ही 5, तो इस तरह से ये लॉक स्टेप टेक्नोलॉजी होती है, दोनों सिंक हो जा सिंक रहते हैं। तो ये आपका एक्टिव हो गया और ये स्टैंड बाय हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोलते हैं इसको। अब फॉल्ट टॉलरेंस अवॉइड स्प्लिट ब्रेन सिचुएशन। अब देखो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस वर्क वीएम लेवल देयर फॉर यू कैन इनेबल और डिसेबल, मतलब आपके वीएम लेवल पे काम करता है इसको, फॉल्ट टॉलरेंस को आप वीएम लेवल में इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अब देखो आप द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वीएम कंटिन्यूसली एक्सचेंज हार्ट बीट, जैसे कि हमने आपको पिछले अभी डायग्राम में इसके थ्रू बताया कि वो एक वीएम दूसरा वीएम हार्ट बीट एक्सचेंज करते रहते हैं कि भाई ये इसकी इतनी सर्विसेज हो गई हैं, वो मतलब चेंज वो एक तरह से रिप्लिका सेट भेजता रहता है, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन टेम्पलेट, वर्चुअल मशीन टेम्पलेट क्या होता है, वर्चुअल यू कैन कन्वर्ट ए फुली कन्फिगर्ड वीएम इनटू ए वर्चुअल मशीन टेम्पलेट, दिस कैन बी यूज टू रीडिप्लॉय रैपिडली डिप्लॉय लार्ज नंबर ऑफ न्यू वीएम। देखो आप इसका मतलब आप समझो, कोई एक वीएम आपने कम्प्लीटली उसमें सारे कन्फिग्रेशन करके आपने रेडी कर लिया और उसका एक कोई टेम्पलेट बना लिया, और आपको नए वीएम बनाना है तो क्या करोगे आप, उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे। जैसे कि सपोज आपके पास आपका जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर। अब आपको कोई एक लैपटॉप जब नया मिलेगा तो उसमें सारे फोल्डर आपको न्यू बनाने पड़ेंगे, इस फोल्डर में ये सर्विसेज ये डॉक्यूमेंट है, इस में इस ये डॉक्यूमेंट रखना है, इसमें ये डॉक्यूमेंट रखना है। अब आप क्या करोगे, यदि एक टेम्पलेट बना के रखे हो, एक टेम्पलेट स्टैंडर्ड बना लिए कि भाई ये हमने कॉपी करके रखा कि यदि हमको नई कुछ बनाना होगा तो उसी को एज ए कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ये होता है आपका वर्चुअल मशीन टेम्पलेट। कि आपका जब आपको आपका कोई एक वीएम है, अब आपको क्रिएट करना है नंबर ऑफ वीएम, तो वो एक जो स्टैंडर्ड है उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके रखे हो आप, तो उसी के थ्रू आप रिडिप्लॉय कर लोगे सारे वीएम, तो ये आपका वर्चुअल मशीन टेम्पलेट हो गया। तो गाइज आपको होप आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके सारे क्लियर हो गए होंगे फॉल्ट टॉलरेंस के। और गाइज अभी मैं वर्चुअलाइजेशन के आपका टेलको क्लाउड में सारे वीडियो लेके आ रहा हूँ, 4-4, 5-5 के वीडियो हैं, मिनट के वीडियो हैं, और मुझे पता है आजकल लोग 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकता, कोई भी मन नहीं करता है 2 घंटे का वीडियो देखने के लिए, तो इसलिए मैं 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो, 2-2 मिनट की वीडियो लेके आ रहा हूँ आपका, 2-2 मिनट की वीडियो देखो आप, बहुत कुछ सीख सकते हो। हो सकता है कोई टॉपिक मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो आप उसको गूगल थ्रू भी गूगल में आप गूगल करके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको एक फ्लो बता रहा हूँ मैं कि कौन कैसे आपको पढ़ना है। अब होप आपको ये फॉल्ट टॉलरेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी पैकेट कोर ऑपरेशन में काम कर रहे हैं या फिर जो वीएम लेवल में काम कर रहे हैं जो नोड लेवल में, तो उनको पता होगा कि एक्टिव और स्टैंड बाय नोड क्या होते हैं, और एक्टिव और स्टैंड बाय के में जो वर्डिंग यूज होती है कि भाई हमने वीएम में लेवल में फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल कर रखा है, तो वह फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके, मैंने इतनी अच्छी खुद से ये नोट्स बनाई है, इसको आप पढ़ो समझो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता तो आप कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा बताने में। थैंक यू गाइज़।